अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। द फिफ्थ टर्म, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 16 एंड द 20th टर्म इज 46, व्हाट इज इट्स 12th टर्म। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। सिंस हमें दिया हुआ है कि फिफ्थ टर्म को हम A5 लिखेंगे, वो हमारे पास है 16, और 20th टर्म को हम लिखेंगे A20, और वो गिवन है 46। और हम यूज़ करेंगे nth टर्म फार्मूला, an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। बाय यूजिंग दिस फार्मूला a5 विल बिकम्स a1 प्लस 4d इज़ इक्वल टू 16। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। और a20 को लिख सकते हैं a1 प्लस 19d, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A1 और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46 एंड A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 16। बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन A1 is cancelled by minus a1 and 19 minus 4 equal to 15d is equal to 30। यहाँ से हमारे पास d equal आ जाएगा 30 divided by 15, और d की वैल्यू हमें 2 आ गई। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, 1 में भी। तो इसमें मैं लिखता हूँ कि पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा a1 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 46, और ये बन जाएगा a1 प्लस 38 इज इक्वल टू 46। और हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 38, a1 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने 12th टर्म फाइंड करनी थी, तो हम इसके ऊपर nth टर्म फार्मूला लगाएं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि a12 को a1 प्लस 11d, और हमने फाइंड किया हुआ a1 हमारे पास 8 है और 11, और d की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये फाइनली हमारे पास बन जाएगा 8 प्लस 22 विच इज़ इक्वल टू 30। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एक्स 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x कॉमा सो ऑन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 इज इक्वल टू है x, और हम कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं AP में, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड। तो सेकंड टर्म हमारे पास है 1 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है x, तो d हमारे पास आ गया 1 माइनस x। क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसकी 13th टर्म फाइंड करनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं a13 इज इक्वल टू a1 प्लस 12d। इसमें a1 और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्स, और ये हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 12 माइनस 12x, और फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 11x। ये 13th टर्म हमारे पास उस सीक्वेंस की हमने फाइंड कर ली।